हेलो एवरीवन, दिस इज कमलेश देवासी एंड आप सभी का फिर से स्वागत है नई धमाकेदार वीडियो में। तो फिर आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम जाएंगे रोहट और आपको दिखाएंगे कि रोहट की क्या चीज़ फेमस है। तो फिर बने रहिए कमलेश देवासी के साथ। गाइस, अभी हम भाकरी से आगे हैं और थोड़ी ये शायद 1 किलोमीटर आगे अरटिया गांव है और उससे आगे फिर NH-62 नेशनल हाईवे आएगा और फिर रोहट। तो फिर बने रहिए। तो फिर गाइस, अभी मैं हूँ रोहट में और अपनी बाइक आगे पड़ी है, वो कल मैं छोड़ के गया था यहाँ पर, तो फिर उसको जाके लेके आते हैं, फिर आपको रोहट का सैर करवाते हैं। ओके, ये अपनी बाइक पड़ी है इधर, ये तो फिर इसको चाबी करते हैं ऑन और फिर चलते हैं। तो फिर गाइस, अभी हम हैं रोहट में, रोहट की फेमस कचौरी के पास, और ये जो मेरे पीछे दुकान है वो यहाँ पर मिलती है। तो फिर वो भाई गया लेने के लिए, वो आता है, तब तक वेट करते हैं हम यहीं पर और फिर मिलते हैं, दिखाते हैं कचौरी कैसी है। तो फिर गाइस, अपने हाथ में है रोहट की फेमस कचौरी, तो फिर मैं इसको टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसी है। तो फिर ये है सिकोरा वाली चाय और अभी हम ये सिकोरा वाली चाय पी रहे हैं। और इस सिकोरी की एक खासियत ये होती है कि ये मिट्टी का बना होता है, इससे कोई भी परेशानी वाला कुछ काम है नहीं, और ये मिट्टी का बना होता है, मिट्टी में मिल जाता है और इससे कोई पॉल्यूशन को भी कोई खतरा नहीं होता है। तो फिर ओके बनता है ना यार, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रोहट की फेमस कचौरी है मोगर कचौरी है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो जब कभी भी आप रोहट साइड आओ तो प्रहलाद जी के नाम से फेमस कचौरी है, तो फिर आप जरूर जाना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।